और मैंने देखा उन लोगों को सूंघ कर नशा कर रहे हैं, घस कर नशा कर रहे हैं, खा कर नशा कर रहे हैं, चिपका कर नशा कर रहे हैं, सूंघ खींच के कर रहे हैं, इंजेक्शन के तौर पे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नशे बने। सुभान अल्लाह, इस्लाम ने पांच चीजों के तहफ्फुज़ को तुम पर हम पर फर्ज किया है। पांच चीजों का तहफ्फुज़ मेरे पर आप पर फर्ज है, जिसमें सबसे पहला है ईमान का तहफ्फुज़, दूसरा है अक्ल का तहफ्फुज़। अक्ल आउट ऑफ माइंड कभी नहीं होना, इसलिए गुस्से को भी हराम करार दिया, आउट ऑफ माइंड होता, नशा आउट ऑफ माइंड कर देता आदमी, इसलिए नशा भी हराम है। ईमान की हिफाजत सबसे पहले फर्ज है मेरे पर आप, दूसरा अकल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत। पांच चीजें बेस है इस्लाम की, किसकी हिफाजत श्योर किया इस्लाम ने कि तय हो, कोई तुम्हारी इज्जत ना उछाले, कोई तुम्हारा माल ना उठे, कोई तुम्हारी जान पे हाथ ना डाले, तुम अपनी अकल को ना मारो, अपने ईमान को जाय मत होने दो। पांच चीजें बेसिस है जिसकी हिफाजत शरीयत ने की है। उसमें सेकंड है अकल, शऊर। नशा अकल को मार देता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका, अकल मत मारो, नशा अकल को मारता है, नशा तुमको कैप्चर कर लेता है, नशा तुमको बर्बाद कर लेता है, नशा तुम्हारा पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज करता है, नशा तुम्हारा ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, हालत ये होती है कि तुम सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, कोई चीज कर नहीं सकते हो जब तक कि तुम नशा मत। अल्लाह का दिया हुआ सही सलामत जिस्म सही जगह खपाओ, तो हदीस में अल्फाज है जिंदगी कहाँ खपाई है, कहाँ बुरा किया अपने आप, ये बोलोगे नशों में किया हमने अपने आप, ये करेंगे नहीं नहीं। आपको बोल सकता है लड़कियों का इसके अंदर क्या दोष है, आप उनको भी बोल रहे, लेकिन औरतों का भी सिलसिला है, क्योंकि ये लड़कियां होती है जो चढ़ाती है इनको बेवकूफों को, ये गधे ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ ये हो रहा है, सिगरेट पीता हो मतलब बड़े घर का होगा, सिगरेट पीता मतलब ऐसा होगा, ये सब ये सब चमकीली आंखों का, यह चीज शैतानों ने आपको चमका दिया। ऐसे गाड़ी वाला होगा तो इससे ही अफेयर करना और शादी करना, वैसा है तो वो खल्लाश होगा, ये लड़का है तो ये दड़ियल ऐसे रहते, वो ये इन्होंने क्या इन्होंने फैशन बनाया, तो घर के मर्दों ने भी चेंज किया अपने आप। मैं बताता हूँ घर के अंदर एक नौजवान लड़का है जो दाढ़ी काटता है, और उसके घर के अंदर उसकी बहनें और माँ है, एक दिन अगर सबने बोल दिया ना तुम अच्छे नहीं दिखते दाढ़ी में, दूसरे दिन उसे छोड़ना नहीं है तो नकली लगा के आएंगे, लेडीज के कमेंट्स आ रहे दाढ़ी के बगैर अच्छे नहीं दिख रहा हूँ। तो तुम शर के अंदर बढ़ावा देते हो, खैर में नहीं देते हो बढ़ावा कभी घर वालों को, बढ़ावा दो आपकी बात को सुनते हैं, बहन होने के नाते भाई, समझे, माँ होने के नाते बेटे को। तो ड्रग्स में मंशियात में परेशान है, अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।